Hello friends, welcome to my next tutorial. And the agenda for this tutorial is how can we connect the client monitor to MySQL server, how can we create database and use a database, how can we create a table, and how can we modify the structure of a table through the alter table command, and how can we drop a table and a database also. So moving for the first point, how can we connect a client monitor to MySQL server? For this, just go for the run command, write cmd, and just write cd backward slash, और हम यहाँ पर path set करेंगे और हमें लिखना पड़ेगा cd xampp then cd mysql cd bin then mysql U, root and p. और हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जब ये इंस्टॉल किया था XAMPP, हम लोगों ने कोई पासवर्ड यहाँ पर नहीं दिया था. तो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट पॉइंट वी हैव कनेक्टेड टू MySQL सर्वर. हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट के अनुसार हम लोग जो हमारा क्लाइंट मॉनिटर है उसको हम MySQL सर्वर से कनेक्ट कर चुके हैं. अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, हाउ कैन वी क्रिएट अ डेटाबेस एंड यूज अ डेटाबेस. द सेंटेक्स फॉर द क्रिएट डेटाबेस इज क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, एंड सेंटेक्स फॉर द यूज डेटाबेस इज यूज एंड डेटाबेस नेम. तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा. फर्स्ट थिंग, हम लोग यहां पर आज बनाने वाले हैं कॉलेज डेटाबेस. फॉर दिस वी हैव टू यूज क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट डेटाबेस देन कॉलेज. तो जो कॉलेज यहां पर हम लोगों ने यूज किया है ये डेटाबेस का नेम है, और जैसे ही हम इंटरप्रेस करते हैं क्वेरी ओके होता है, वन रो अफेक्टेड है, इट मींस दैट हमारा जो कॉलेज डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है MySQL सर्वर के अंदर. अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वो MySQL सर्वर के अंदर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं शो डेटाबेसेस. और हम जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें कॉलेज एक डेटाबेस दिख रहा है, तो हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट करना यहां पर सीखा. नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इनसाइड अ डेटाबेस. हम एक टेबल किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे कॉलेज डेटाबेस के अंदर. हमें एक टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उस डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा, और डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हमें यूज कमांड यूज करनी पड़ेगी. तो हम यहां पर लिखते हैं यूज और कॉलेज. जैसे हम लिखते हैं यूज कॉलेज डेटाबेस चेंज, अब हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं. और नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं कि जो डिटेल स्टेटमेंट है वो किस तरह से वर्क करते हैं. डिटेल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्रिएट टेबल और डिस्क्राइब टेबल. क्रिएट टेबल का जो सेंटेक्स है वो है क्रिएट टेबल टेबल नेम कॉलम वन डेटा टाइप कॉलम टू डेटा टाइप एंड पॉइंट जो डैश डैश डैश. इट मींस दैट कि हम कितने ही कॉलम और डेटा टाइप एक साथ यूज कर सकते हैं. और एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पर है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एनरोलमेंट नेम एड्रेस और ब्रांच, और उनके सामने उनके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं. अगर हम डिस्क्राइब टेबल करना चाह रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर शो करना चाह रहे हैं, तो हम डिस्क्राइब और टेबल नेम कर सकते हैं, जिसके लिए जो सेंटेक्स रहेगा वो डीएससी कमांड यूज करनी पड़ेगी और टेबल का नाम हमें यूज करना पड़ेगा. सो नाउ प्रैक्टिकली हम ये चीज किस तरह से पॉसिबल हो पाती है हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, जस्ट राइट क्रिएट टेबल स्टूडेंट देन एनरोल इंटीजर नेम पैकर 6 देन ब्रांच कैरेक्टर 3. ओके, सो हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है यहां पर, वो है क्रिएट टेबल स्टूडेंट.
और उसमें हम लोग एनरोलमेंट नंबर, नेम और ब्रांच जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज करने वाले हैं, और वी हैव टू जस्ट यूज सेमी कॉलन हियर टू टर्मिनेट द लाइन एंड जस्ट प्रेस इंटर। हम लोगों ने जैसे इंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। तो यहां पर जो कॉलेज डेटाबेस है उसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुई है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लिए हमने जो सेंटेक्स देखा था वो था DSC स्टूडेंट द नेम ऑफ टेबल, और हम यहां पर जब एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आते हैं फील्ड्स टाइप नल की डिफॉल्टेड एक्स्ट्रा थ्री रो एन अ सेट, जो एक फीडबैक हमारे सामने आता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एनरोलमेंट नंबर इंटीजर जो 11 दिख रहा है, इट मींस दैट कि जो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट साइज रहेगा 11, और आगे लिखा हुआ है यस फॉर द नल, इट मींस दैट इट कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू, ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। हमने यहाँ पर कोई भी की यूज नहीं किया है, यूनिक की या फिर जो कि हम बोल सकते हैं प्राइमरी की, फॉरवर्ड की हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल रहेगी। देन नेम वेक्टर 6, जैसा कि हम लोगों ने वहां पर डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, और ब्रांच कैरेक्टर 3। अगेन डेटा टाइप्स इंटीजर, डेसिमल फॉर डेसिमल प्लेस के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं, प्राइस की वैल्यू डेसिमल प्लेस तक हम ले सकते हैं, कैरेक्टर और वेयर केयर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हम डेट भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप, इट्स नॉट ये डिस्कस्ड हियर, हम ये फर्दर स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन वी मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, एंड इट कैन बी डन बाय द अल्टर टेबल कमांड। You can use the alter table statement to add new columns to the table, remove existing column and add change the column name and type and length also. How can we modify the structure of the table? हम लोगों को अगर table का structure modified करना है तो हम लोगों को यहाँ पर alter table command का use करना पड़ता है। सबसे पहली चीज ये आती है कि why there is a need to change the structure of a table? अगर हम लोगों ने कोई टेबल क्रिएट किया है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत कहां पड़ती है? अगर हम ये चाह रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ 3 कॉलम लिए हैं, 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम और ब्रांच। हम ये चाह रहे हैं कि हम उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी इंटर कराएं, हम स्टूडेंट का एड्रेस भी इंटर कराएं, ये चीज हम ये चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें फिर से पूरी तरह से टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम उसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा, और इसको करने के लिए सेम हम फिर से प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, और इसका जो सेंटेक्स होता है वो होता है, अगर सेंटेक्स देखना चाहे तो हम फिर से स्लाइड पे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग हम ये देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी एड अ न्यू फील्ड इन टेबल, हम एक नया फील्ड टेबल के अंदर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ न्यू फील्ड इन द टेबल, सेंटेक्स रहेगा अल्टर टेबल टेबल नेम। इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट टेबल को अल्टर करें तो हम लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट एड, एड एक क्लॉज है। कॉलम डेफिनेशन, हम कौन सा कॉलम यूज करने वाले उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, हम उसको फर्स्ट में ऐड करना चाह रहे हैं या फिर किसी कॉलम के बाद ऐड करना चाह रहे हैं तो वे हम यहाँ पर कर सकते हैं। 3 एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पर है, अल्टर टेबल एम्प्लॉई एड मोबाइल इंटीजर, तो यहाँ पर एक मोबाइल जो कॉलम है वो एड होगा एट लास्ट में, सबसे लास्ट में एड होगा फ्रॉम दी फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल का यूज करते हैं तो ये बताता है कि अल्टर टेबल एम्प्लॉई एड PET इंटीजर आफ्टर ID, जो ID कॉलम है उसके बाद PET एड हो जाएगा। और जो तीसरा एग्जांपल वो बताता है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी कॉलम एड करना चाह रहे हो फर्स्ट में एड हो तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉई एड OB इंटीजर फर्स्ट। प्रैक्टिकली ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है हम देखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट एड क्लॉज हम यहाँ पर यूज करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि हम रिजल्ट वाला जो कॉलम है वो हम एड कर दें इसके अंदर। तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, मान लो हम इंटीजर यूज कर लेते हैं, तो इंटीजर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, देन वी हैव टू जस्ट प्रेस सेमी कॉलम, और हम लोग जैसे इंटरप्रेस करते हैं तो क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड,
तो फिर से हम देखते हैं कि क्या टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हुआ है। तो डीएससी स्टूडेंट, ओके, सो वी हैव अ रिजल्ट कॉलम हियर। हमने जो फील्ड एड किया था अल्टर कमांड के थ्रू, वो रिजल्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसका बाय डिफॉल्ट साइज 11 है, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर उसके लिए यूज किया है। वो नल एक्सेप्ट कर सकता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो एक और चीज यहाँ पर देखने में आती है कि जब भी हम एक सिंपल अल्टर टेबल स्टूडेंट कमांड, जो भी अल्टर टेबल कमांड चलाएंगे और एड क्लॉज चलाते हैं, तो एड क्लॉज में अगर हम ये डिफाइन नहीं करते हैं कि वो कहां पर एड करना है, फर्स्ट में या किसी कॉलम के बाद, तो वो सबसे लास्ट में एड होता है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी कॉलम ऐड करें वो सबसे पहले ऐड हो, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, और हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर हम एनरोलमेंट की जगह हम एक आईडी ऐड करा देते हैं, आईडी और इंटीजर, और हम लिख देते हैं फर्स्ट। नाउ क्वेरी ओके, जीरो रिफ्लेक्टेड। अगेन हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि आईडी जो है वो एनरोलमेंट के पहले आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जब अल्टर टेबल स्टूडेंट कमांड चलाया तो उसमें एड आईडी इंटीजर किया, तो हम लोगों ने वो एक क्लॉज वहां पर दिया है। एक क्लॉज ये दिया है कि वो फर्स्ट में एड होना चाहिए, मतलब वो जितने भी कॉलम है उनसे फर्स्ट में एड होगा। तो दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय MySQL सर्वर, इट्स वेरी गुड फैसिलिटी। अगेन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम नेम के बाद सरनेम लगा दें, या फिर ब्रांच के बाद हम एड्रेस लगा दें, या फिर नेम के बाद हम एड्रेस लगा दें, तो हम वो भी कर सकते हैं। और द सिंपल वे इज अल्टर टेबल स्टूडेंट एट एड्रेस वेक्टर 10 आफ्टर नेम। सो नाउ अल्टर टेबल स्टूडेंट 8 एड्रेस वेक्टर 10 आफ्टर नेम। तो हमारे पास एक टेबल जो मॉडिफाइड हो चुकी है, हम फिर से उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएसटी स्टूडेंट देन, नाउ हम लोग यहां पर देखते हैं नेम के बाद एड्रेस आ चुका है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर हमें कोई भी नया कॉलम अगर एक टेबल में इंसर्ट करना है, सॉरी ऐड करना है, तो ऐड करने के तीन तरीके हो सकते हैं। हम उस कॉलम को फर्स्ट प्लेस पे भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट प्लेस पे भी ऐड कर सकते हैं, और कहीं बीच में भी ऐड कर सकते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू अवर न्यू स्लाइड, ड्रॉप अ कॉलम, द ड्रॉप क्लॉज ऑफ द अल्टर टेबल स्टेटमेंट रिमूव अ गिवन कॉलम फ्रॉम अ टेबल एंड डिलीट द कॉलम डेटा। अ टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम, सो दिस स्टेटमेंट विल फेल इफ यूज ऑन द ओनली ओनली कॉलम इन अ टेबल। अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप एंड कॉलम नेम, हमें सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि हम जिस कॉलम को ड्रॉप करना चाहें उस कॉलम को ड्रॉप यहां से कर सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, हम किस कॉलम को ड्रॉप करना चाहेंगे यहां पर, हम ड्रॉप कर देते हैं आईडी को। नाउ क्वेरी ओके, डीएससी स्टूडेंट, सॉरी वी हैव जस्ट यूज रॉन्ग स्पेलिंग फॉर द स्टूडेंट, ओके वी हैव डिलीटेड दिस आईडी। हम एक साथ दो कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, हम यहां पर रिजल्ट को ड्रॉप कर देते हैं और ब्रांच को ड्रॉप कर देते हैं। सॉरी फॉर अगेन, ओके सो नाउ क्वेरी ओके, फिर से हम देखते हैं डीएससी स्टूडेंट
तो हमारे पास एज इट इज पुरानी वाली कंडीशन आया थी जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था, एनरोलमेंट नेम और एड्रेस. सॉरी यहाँ पर आई थिंक वहां पर ब्रांच था और हम लोग यहाँ पर एड्रेस ले चुके हैं. सॉरी फॉर दिस. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सॉरी, वी हैव जस्ट यूजिंग द ड्रॉप ड्रॉप क्लॉज कमांड ऑल्सो. नाउ अगेन द लास्ट थिंग, द लास्ट स्लाइड, मॉडिफाई चेंज इन रिनेम क्लॉज. द मॉडिफाई क्लॉज इज यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ एग्जिस्टिंग कॉलम. अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो हम मॉडिफाई क्लॉज यूज करेंगे. वो किस तरह से हम यूज कर पाएंगे हम यहां पर देखते हैं. द सेंटेक्स इज अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो हमें लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम नेम. हम जो भी कॉलम जिसका भी डेटा टाइप मॉडिफाइड करना चाहे यहां पर मॉडिफाइड कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली हाउ इट कैन बी पॉसिबल, फर्स्ट थिंग हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो एनरोलमेंट नंबर है उसको इंटीजर हम लोगों ने दे रखा है. नेम यहां पर वैक्य 6 है और एड्रेस यहां पर वैक्य 10 है. तो हम इसको किस तरह से मॉडिफाइड कर पाएंगे यहां पर देखते हैं हम लोग. तो अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई देन एड्रेस वैकर. सो नाउ द क्वेरी इज ओके. डीएससी स्टूडेंट. नाउ वी हैव सीन हियर दैट हमारा जो वेयर केयर है उसका साइज यहां पर चेंज हो चुका है. तो इस तरह से हम किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप यहां पर चेंज कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं चेंज. चेंज क्लॉज इज यूज टू द चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम. उसके लिए हमें जो सेंटेक्स रहेगा वो रहेगा अल्टर टेबल टेबल नेम. ठीक इस तरह से अगर हम चाहें कि हम नेम को कर दें या फिर जो एड्रेस हमारे सामने है उस एड्रेस की हम लोकेशन कर दें तो उसके लिए हम लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल टेबल नेम स्टूडेंट. अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज जो क्लॉज हमें यूज करना पड़ेगा कॉलम नेम न्यू कॉलम नेम एंड डेटा टाइप. तो यहां पर हम यूज करेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज और हम चेंज करने वाले हैं एड्रेस को. एड्रेस को हम कर देंगे लोकेशन और उसका जो वेयर केयर हम 12 ही रहने देते हैं. तो क्वेरी ओके हुआ. डीएससी स्टूडेंट नाउ लोकेशन हो चुका है एड्रेस की जगह. एंड द लास्ट एंड फाइनल इज रीनेम. हाउ कैन वी रीनेम अ टेबल नेम. सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम न्यू नेम. ओके सो अगेन द लास्ट थिंग इज अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉम. सो अवर टेबल इज रीनेम्ड और हम डीएससी अगर स्टूडेंट करके देखते हैं तो हमारे पास सामने मैसेज आता है कि टेबल कॉलेज डॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट टेबल है उसको कन्वर्ट कर चुके हैं कॉम्प में. देन वी हैव टू जस्ट राइट डीएससी कॉम्प. देन वी हैव सेम डेटा टाइप एनरोलमेंट नेम एंड लोकेशन. नाउ Thanks for this watching and please subscribe my channel for more tutorials in database management system for the MySQL. Thank you very much.